सो हे गाइज, व्हाट्स अप एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर वर्ल्ड चैनल रासन फोटोग्राफी। गाइज, आज के इस न्यू वीडियो के अंदर मैं आप लोग का दिवाली स्पेशल फोटो को यहां पर एडिट करना बताने वाला हूं, जो कि आप लोग हमारा कॉन्सेप्ट देख ही सकते हो कितना देखने में अमेजिंग सा लग रहा है। तो अगर आप लोग को भी सेम टू सेम इस तरह का फोटो को एडिट करना है दिवाली के ऊपर, तो वीडियो को आप लोग बिना स्किप के लास्ट जरूर वॉच कीजिएगा। और वीडियो का एक भी पार्ट पसंद आता है आप लोग को, तो इस वाला वीडियो को आप लोग एक लाइक और मेरा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को आप लोग ऑन पे कर दीजिएगा। तो चलिए बिना देरी करते हैं वीडियो को, लेट्स गेट स्टार्ट। ओके, सो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, आप लोग को यहाँ पर क्या करना है, आप लोग को जिस फोटो को मतलब एडिटिंग करना होगा, आप उस वाले फोटो को यार पिक्सआर्ट एप्लीकेशन के अंदर यहाँ पर ओपन कर लीजिएगा। और मैंने यहाँ पर क्या किया है, एक क्लिक के अंदर मतलब बैकग्राउंड को पहले से ही ब्लर करके रखा है। अगर आप लोग को ये नहीं पता है कि एक क्लिक के अंदर कैसे मतलब इस तरह का बैकग्राउंड ब्लर करते हैं, तो आप लोग यहाँ पर इस वाला वीडियो को वॉच कर सकते हैं। तो वेल मतलब पिक्सआर्ट एप्लीकेशन के अंदर अपने फोटो को जस्ट ओपन करने के बाद सबसे पहले आप लोग को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आप लोग को इफेक्ट के नाम से एक टूल देखने को मिलता है, ये वाला टूल। तो इसके ऊपर आप लोग को यहाँ पर एक बार टैप करना पड़ेगा इस तरह से, और यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, कलर्स वाला ऑप्शन के ऊपर एक बार टैप कर देना होगा इस तरह से। तो सेकंड नेम पर आप लोग को यहाँ पर कलर स्प्लैश के नाम से एक इफेक्ट देखने को मिलता है, मार्क करके दिखलाता हूँ। तो इस पर आप लोग को यहाँ पर एक बार टैप करना है इस तरह से, और देन यहाँ पर क्या करना है, जो मतलब सर्कल है, इस वाला सर्कल को आप लोग अपने फेस के ऊपर यहाँ पर रख के सिंपली इसको यहाँ पर इसको छोड़ दीजिएगा इस तरह से। तो छोड़ते ही आपका मतलब पूरा फोटो ब्लैक एंड व्हाइट में कन्वर्ट हो जाएगा, आप लोग यहाँ पर देख ही सकते हो बिफोर एंड आफ्टर। तो ये आप लोग को यहाँ पर क्या करना है, जहाँ पर भी आप लोग को ये वाला इफेक्ट नहीं रखना है, वहाँ पर आप लोग इरेजर्स की सहायता से रिमूव वगैरह कर सकते हो, लाइक कुछ इस तरह। आप लोग मैं करके देख लेता हूँ, यहाँ पर इस तरह से देख सकते हो। और अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इसको राइट क्लिक करता हूँ इस तरह से। देन अभी आप लोग को यहाँ पर क्या करना है, आप लोग को यहाँ पर मतलब ऐड फोटो के नाम से एक टूल देखने को मिलता है, ये वाला टूल। तो इसके ऊपर आप लोग को यहाँ पर एक बार क्लिक करना है, और यहाँ पर क्या करना है, कोई मतलब एक कलर बैकग्राउंड को ऐड करना है, लाइक मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, ग्रीन वाले को ऐड करके दिखलाता हूँ आप लोग को। तो मैंने यहाँ पर इस वाले ग्रीन को ऐड कर लिया है, आप लोग देख सकते हो। तो सबसे पहले आप लोग को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इसको आप लोग को अपने फोटो के हिसाब से जूम करना पड़ेगा इस तरह से, और देन यहाँ पर आप लोग को ब्लेंडिंग का एक टूल देखने को मिलता है, दिखलाता हूँ आप लोग को इफेक्ट के जस्ट नीचे। तो इस वाले ब्लेंडिंग के ऑप्शन पर टैप करना है, और इसको आप लोग को मल्टीपल के ऊपर यहाँ पर सेलेक्ट कर देना है, और यहाँ पर क्या करना है, इजर के ऑप्शन पर टैप करके दोनों फिंगर से फोटो को आप लोग को जूम करके अपने स्किन पर से इस वाला इफेक्ट को यहाँ पर रिमूव करना है। जहाँ पर भी आप लोग को यहाँ पर ये इफेक्ट नहीं चाहिए, वहाँ पर से आप लोग इसको कुछ स्टेप से रिमूव कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, हेयर एंड अपने मतलब फेस वगैरह पर से ये वाला इफेक्ट को रिमूव करता हूँ। सो गाइज, मैंने यहाँ पर क्या किया, जहाँ पर मेरे को ये वाला इफेक्ट नहीं चाहिए था, मैंने वहाँ पर क्या किया, टाइम देकर अच्छे तरीके से यहाँ पर इरेज वगैरह इसको कर लिया हूँ, आप लोग देख ही सकते हो। तो वेल, अभी आप लोग को यहाँ पर क्या करना है, इसको मतलब यहाँ पर सिंपली एक बार डन करना है, और देन यहाँ पर क्या करना है, एडजस्ट वाला टूल के ऊपर एक बार क्लिक करना है, ये वाला टूल के ऊपर। और यहाँ पर आप लोग को ह्यू नाम से एक टूल देखने को मिलता है, और जिस कलर आप लोग को पसंद आता है वो चीज़ आप लोग अपने हिसाब से यहाँ पर कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक कलर को सिलेक्ट करके दिखलाता हूँ, आप लोग देख ही सकते हो, हर तरह का कलर आप लोग कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इस वाले कलर को सिलेक्ट करता हूँ, क्योंकि ये मेरे को अच्छा लग रहा है यहाँ पर। तो मैंने इसको सिलेक्ट करके सिंपली यहाँ पर क्या करता हूँ, इसको डन करता हूँ। तो अभी आप लोग को यहाँ पर क्या करना है, एक और यहाँ पर काम करना है, यहाँ पर सिंपली टूल्स के ऑप्शन पर टैप करके, एडजस्ट वाला ऑप्शन पर टैप करके हल्का सा इसके मतलब ब्राइटनेस को यहाँ पर इस तरह से बढ़ा लेना है, और देन यहाँ पर क्या करना है, इरेजर के ऑप्शन पर टैप करके इसको आप लोग को बैकग्राउंड के ऊपर यहाँ पर टैप कर देना है इस तरह से, और सिंपली यहाँ पर इसको डन कर देना है। तो अब बारी है अपने मतलब बैकग्राउंड के अंदर PNG वगैरह को ऐड करना। तो इसके लिए आप लोग को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, सिंपली ऐड फोटो के ऑप्शन पर एक बार क्लिक करके जो PNG आप लोग को प्रोवाइड करूँगा सारे को आप लोग यहाँ पर पहले डाउनलोड कर लीजिएगा। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक एक करके सारे PNG को ऐड करता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पर क्या किया, इस वाले क्रेकर्स की PNG को ऐड किया है, और मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इसको जूम वगैरह करके इसको मैं प्रॉपर तरीके से यहाँ पर एडजस्ट करूँगा, लाइक कुछ इस तरह। और देन यहाँ पर क्या करता हूँ, इसको डन कर देता हूँ।
अब हम अगेन ऐड फोटो के ऑप्शन पर एक बार क्लिक करते हैं और यहाँ पर क्या करते हैं, दिवाली डेकोरेशन पीएनजी को ऐड करते हैं। तो मैंने यहाँ पर इस वाले पीएनजी को ऐड किया है, आप लोग देख ही सकते हो। तो अभी आप लोग को यहाँ पर क्या करना है, इसको फुल जूम करके ऊपर की साइड यहाँ पर इसको इस तरह से एडजस्ट कर देना है और सिंपली यहाँ पर डन कर देना है। अब हम दोबारा से ऐड फोटो के ऑप्शन पर टैप करते हैं और यहाँ पर क्या करते हैं, एक और पीएनजी को हम लोग यहाँ पर ऐड करते हैं। तो इस बार मैंने यहाँ पर क्या किया, इस बार दिवाली टेक्स्ट की पीएनजी को ऐड किया है और इसको भी क्या करते हैं, कुछ इस टाइप से जूम वगैरह करके इसको भी हम लोग ऊपर की साइड यहाँ पर इसको इस तरह से एडजस्ट करते हैं और यहाँ पर क्या करते हैं, एक्स्ट्रा पार्ट को यहाँ पर रिमूव करते हैं इस तरह से और सिंपली यहाँ पर इसको डन करते हैं। अब दोबारा से ऐड फोटो के ऑप्शन पर टैप करते हैं और यहाँ पर क्या करते हैं, दिवाली क्रैकर्स की पीएनजी को ऐड करते हैं। तो मैंने यहाँ पर इस वाले क्रैकर्स की पीएनजी को ऐड किया है और सबसे पहले इसके ब्लेंडिंग को हम लोग चेंज करते हैं स्क्रीन के ऊपर करके, और इसको आप लोग अपने हिसाब से लगा सकते हो, जहाँ पर भी आप लोग को लगाना है वहाँ पर इसको आप लोग इस टाइप से लगा सकते हो और सिंपली यहाँ पर इसको डन करता हूँ। अब दोबारा से ऐड फोटो के ऑप्शन पर टैप करते हैं और यहाँ पर क्या करते हैं, एक और मतलब पीएनजी को हम लोग ऐड करते हैं। तो इस बार मैंने यहाँ पर क्या किया, इस वाले पटाखे वगैरह के पीएनजी को ऐड कर लिया है, आप लोग देख ही सकते हो। तो सबसे पहले क्या करना है, इसको जूम वगैरह करके इसको आप लोग को नीचे में एडजस्ट करना है और इसे मैंने शैडो वगैरह पहले से ही एडजस्ट करके रखा है, तो आप लोग को मतलब यहाँ पर ऐड करने का कोई भी ज़रूरत नहीं है। इसको आप लोग को सिंपली ऐड करके नीचे में एडजस्ट कर देना है और सिंपली यहाँ पर डन कर देना है। अब दोबारा से ऐड फोटो के ऑप्शन पर टैप करना है और यहाँ पर क्या करना है, फायर की पीएनजी को ऐड करना है। तो मैंने यहाँ पर इस वाले पीएनजी को ऐड कर लिया, आप लोग देख ही सकते हो। तो इसको आप लोग को जूम वगैरह करके नीचे में एडजस्ट करना है इस तरह से, आप लोग ये चीज़ अपने हिसाब से लगा सकते हो और सिंपली यहाँ पर इसको डन करता हूँ इस तरह से। अब हम दोबारा से ऐड फोटो के ऑप्शन पर टैप करते हैं, एक और पीएनजी को यहाँ पर ऐड करते हैं। तो इस बार मैंने यहाँ पर क्या किया, डस्ट पार्टिकल पीएनजी को ऐड कर लिया है। तो अभी आप लोग को यहाँ पर क्या करना है, इसको जस्ट जूम वगैरह करके सिंपली ब्लेंडिंग के ऑप्शन पर टैप करके इसको यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर सिलेक्ट करना है और इसको आप लोग यहाँ पर इस तरह से एडजस्ट कर सकते हो और हल्का सा इसकी मतलब अपेसिटी को यहाँ पर डाउन कर लीजिएगा, लाइक कुछ इस तरह, फेस पर से यहाँ पर इस वाला इफेक्ट को रिमूव कर दीजिएगा इस तरह से। और अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इसको राइट क्लिक करता हूँ इस तरह से। अब दोबारा से ऐड फोटो के ऑप्शन पर टैप करते हैं और यहाँ पर क्या करते हैं, एक मतलब लाइट की पीएनजी को ऐड करते हैं। तो मेरे भाई आप लोग को यहाँ पर क्या करना है, इस वाले लाइट की पीएनजी को ऐड करना है और इसके मतलब ब्लेंडिंग को आप लोग स्क्रीन के ऊपर सिलेक्ट करके जहाँ पर भी आप लोग को अच्छा लगे आप लोग यहाँ पर लगा सकते हो। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, ये इसको यहाँ पर इस तरह से एडजस्ट करता हूँ और हल्का सा इसके ऑपेसिटी को डाउन कर लेता हूँ इस तरह से और डुप्लीकेट करके दूसरे साइड भी यहाँ पर इसको इस तरह से एडजस्ट कर देता हूँ और हल्का सा ऑपेसिटी को डाउन कर देता हूँ। तो हमारा फोटो यहाँ बनके रेडी हो चुका है, आप लोग देख ही सकते हो बिफोर एंड आफ्टर कितना चेंजिंग आ चुका है हमारे फोटो के अंदर। बाकी फेस वगैरह को स्मूथ करने के लिए आप लोग मतलब स्केचबुक ऐप का यूज कर लीजिएगा। तो वेल, अभी हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, फोटो को गैलरी के अंदर सेव करेंगे। तो इसके लिए क्या करते हैं, ड्रॉ टूल के आइकॉन पर टैप करके थ्री डॉट के ऑप्शन पर टैप करके फोटो को हम लोग सेव कर लेते हैं।